तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। मैं जितने भी अपने यहाँ किसान भाई हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनके हौसला अफजाई के लिए कहना चाहूँगा, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। मंजिल उन्हें मिलती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और मैं अपने जो किसान भाई हैं उनके हौसला अफजाई के लिए एक और हरवंश राय बच्चन की कविता की कुछ लाइनें हैं, उनको कहना चाहता हूं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न कभी अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। एक लाइन और है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना साहस इसी हरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और एक लाइन और है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और जो मोदी जी को जो घमंड है, जो हंकार है, जिस तरह का उन्होंने हंकार पाला हुआ है, उसके ऊपर भी कहना चाहूँगा, शेरोशायरी के अंदाज में कहना चाहूँगा, चिड़िया जब जीवित रहती है तो चींटी को खा जाती है, चिड़िया जब मर जाती है तो चींटियाँ उसको खा जाती है। इसलिए मोदी जी, कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको, तुम शक्तिशाली हो सकते हो पर समय किसी को शक्तिशाली होने का मौका नहीं देता। एक पेड़ से मार्चेस की लाखों तिलियां बनाई जा सकती है, लेकिन एक मार्चेस की तिली से लाखों पेड़ भी जलाए जा सकते हैं। तुम चाहे कितने भी महान क्यों ना बन जाए, समय किसी को महान बनने का मौका नहीं देता। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया साधु संतों को तो संसार छीन लिया, संसार दिया देवी देवतों को चलाने के लिए तो मोक्ष छीन लिया। मत कर गुरूर अपने आप पे ऐ इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। इसलिए मोदी जी, शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। इसलिए अपना अहंकार छोड़िए, और जिस तरह आज ये किसान यहाँ सड़कों में बैठा है और सर्दी का मौसम है,
अस्मा दिन यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा दिन यहाँ पर हो गए और तमाम 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब यहाँ पे हैं और 200 से भी ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई और आप कोई फिक्र नहीं है जनता की। जिस किसान ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया और वही किसान आज सड़कों में है, किस बात का घमंड है? मोदी जी यही भारत का किसान है जिसने आज आपको चाहे बनाने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो यही जनता है, यही इस देश की एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो इस घमंड में मत रहिए। अगर आपने इन किसान भाइयों की बात नहीं मानी, मजदूरों की बात नहीं मानी, तो यही लोग जिन्होंने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है वो दिन दूर नहीं है। यही किसान, यही लोग, यही भारत की जनता आपको अर्श से फर्श तक बैठाएगी, ये दिन दूर नहीं है। इसलिए होश में आइए और बात सुनिए। आप चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र रच लो, जिस प्रकार आप षड्यंत्र रच रहे हैं, किसानों को कभी जीवी कभी परजीवी कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप इन देश के किसानों के लिए कर रहे हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है कि देश का प्रधानमंत्री जो एक सर्वोच्च पोस्ट पे बैठा हुआ है और इस तरह की भाषा परजीवी कह रहा है। तो ये किसान, ये भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। चाहे आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस अहंकार में आप हैं, इसलिए होश में आइए। और अंत में मैं अपने किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूं कि ये चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र रच लें, चाहे ये हिंदू और सिख को लड़ाने की बात कर दे, जिस प्रकार इन्होंने 26 जनवरी को जो हुआ एक साजिश रची गई, एक साजिश के जरिए इन्होंने हिंदू और सिख को लड़ाने का काम किया ताकि ये आंदोलन टूट जाए, बिखर जाए, जैसे ये करते आए हैं। जैसे आपने जितने भी आंदोलन इस हिंदुस्तान में हुए हैं, इन्होंने हमेशा एक लड़ाने की राजनीति की है। जैसे ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में ही सीए का आंदोलन हुआ था, क्या हुआ उसका? इन्होंने उनको भी जो अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको भी एक साजिश के तहत इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया और कितने बेगुनाह लोग आपस में लड़कर दंगे हुए और अपनी जान गंवा दी और वो आंदोलन वहीं खत्म हो गया। यहां देखिए आप हरियाणा की बात, मैं यहीं की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम जिस जगह में बैठे हैं तो दिल्ली के आसपास की ही बात बता रहा हूं, जो ताजी ताजी बातें हैं। हरियाणा में जाटों का आंदोलन हुआ, उसका क्या हुआ? वहां भी कितने लोग मर गए और एक साजिश के तहत उस आंदोलन को भी खत्म कर दिया गया। तो ये पार्टी हमेशा, आपने देखा होगा पिछले 6-7 साल से, जब से ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने इस देश में जितने भी आंदोलन हुए तो उन आंदोलनों को इन्होंने हमेशा कुचलने का काम किया। कभी किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। स्टूडेंटों ने आंदोलन किया, उसको भी इन्होंने कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह के और उस आंदोलन को ऐसा तकमा बना दिया। इनके पास एक तो इनका अपना प्रचार तंत्र है और ये जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है जो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का और लोगों को बढ़ाने का, गलत सूचना देकर गलत प्रचार करके ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं। तो समय का अभाव है, मेरे यहाँ साथी खड़े हैं जो स्टेज संभाल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रबुद्ध लोग, मेरे काफ़ी वक्ता हैं यहाँ पर, वो भी अपनी बात रखेंगे। इसलिए मैं शेरोशायरी के अंदाज में किसानों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूँ, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है,
छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है और मोदी सरकार को हराना है, मोदी सरकार को हराना है। लास्ट में मैं एक स्लोगन दूंगा, एक नारा दूंगा, मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आपने बोलना अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। जय किसान एकता। और इसके साथ साथ में जो हमारे किसान नेता हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, उनको भी मेरा सलूट है, जिन्होंने इस आंदोलन को बड़े सुचारू रूप से चलाया है, तो उन किसान नेताओं को भी मेरा नमस्कार है, और जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। ऐसे ही डटे रहें, जीत हम ये बाजी जीत के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकर जी का। इन्होंने स्पष्ट शब्दों के विच अपने थोड़े समय के बहुत कुछ कह गए कि ताना भारत के ताना शाह हाकमो, इन्हां किसानां ने तुहाडे हथों ठूठा छिड़िया, ठूठा फड़ के मंगण जांदे सो, महंगे मुल ते बाहरों अनाज खरीददे सो, ਇਹ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਠੂਠਾ ਛਡਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਥਰੂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਬੜਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਸਰਤ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਓ ਐਂਡ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਂਗੇ, ਡੀਪ ਬਰੀਥ, ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਫਰੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਬੀ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, TSU ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦੜ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ।
संघर्ष की अगवाई कर रहे आगू साहबान वख वख स्टेटा चो आए बीबिया भैन जुझारू साथियों, सब तो पहला मैं दो नारे लाऊंगा, नारे का जवाब नारे से देना। कस्ता किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अज के संघर्ष में पहुंचे मेरे वीरो, मैं मोदी साहब तो पूछना चाहना भी थोनू इतों तक भेजा किने भी की तुसी पीएचडी की सी की कीता सी भी जे तुसी मंत्री बन के तो प्रधानमंत्री बन गए। यही गल मैं तोमर होना तो पूछना चाहना भी जेडे तुसी काले कानून लियांदे आ इत्थे थोनू पाया किने पाया भी केड़ी तुसी डिग्री की सी भी इन्हां लोकां ने ही थोनू एम एल ए एम पी बना के प्रधानमंत्री तक थोपिया कुर्सी ते पाया। जिहड़ी तुसी गल करदे हुंदे सी भी असीं सेवा करांगे थोड़ी, साडियां स्टेटां दे विच जाके भी थोनू पग्गां मिलदियां हुंदियां सी, मोने सी तुसी भी स्टेजां ते असीं थोनू बुलाउंदे हुंदे सी सरदार बन के आए हैं, उहो को साडे को तुसी इह बोलदे हुंदे सी भी हुण तुसी की लोकां नूं कर रहे दे रहे हो। जिहड़ियां सरकारां पहलां वादे कर दिंदियां सी उहदे उल्ट ही तुसी जिहड़े कानूनां दे चंगे देवांगे उहदे उल्ट ही तुसी अज कानून जिहड़े काले कानून लिया के मजदूरां नूं किसानां नूं मुलाजमां नूं सारे वर्गां नूं दुखी कर रहे हो। ये कित्थों सिखे हो, भेजिया किहड़ी है थोनू इत्थे? मैं इहनां नूं दसणा चाहुंदा भी सरकारां तां बदलदियां रहिंदियां ते आउंदियां रहिंदियां, फिर समां आउण वाला मोदी सरकार नूं मोदी साहब नूं पुछणा चाहुंदा भी इहो जिहा जिहड़ियां अड़ियल वतीरा जिहड़ा किसानां प्रति मजदूरां प्रति मुलाजमां प्रति आ आदा छड्ड के ते जिहड़े काले कानून लियांदे आ इहनां नूं रद्द कर ते दा लोक जिहड़े सुखी सुखी शांति नाल सुख शांति दे नाल आपो अपने घरे पहुंचण। एक मैं पंजाब की गल दसना चाहुंदा भी 16-4 जिहड़े कानून की गल करदे आपां 16-4-10 तो ही असीं तां गल करदे हुंदे बिजली बोर्ड का जिहड़ा काला कानून आ गया सी जदों इहनां ने बिजली बोर्ड तोड़ के कारपोरेशनां दे विच वंडता सी। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲੜਦੇ। 16-4-10 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 91-92 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2004 ਤੱਕ ਲੈ 16 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। फिर भी इन्होंने जिवें आपां कहीए बादल सरकार सी उदों उन्होंने हरिमंदर साहब वाली मूँह करके अर्थ करके भी असीं जिन्नियां भी थोड़ियां मतलब कि ना कोई यूनिटां वधावांगे ना तनखावां घटावांगे, जिवें भी थोड़े पहलां चलदा सर्विस रूल है उस तरह चलांगे। उदों बाद हुण कैप्टन सरकार आई अपने पंजाब दे विच, उहने की कीता सी, किन्ने वादे कीते सी, सारे वादे उहदे उल्ट, किसी नूं पेंशन नहीं लाई, किसी नूं वजीफा नहीं लाया, किसी नूं फोन नहीं दित्ते, आ किसानां दा कर्जा माफ करना सी किधर गया कर्जा माफ। सो साथियों मैं कहना चाहुंदा वी जिहड़े ये सारे चोर कुत्ती रले होए आ, कैप्टन नूं भी पता सी, बादल नूं भी पता सी, सारियां स्टेटां दे मंत्रियां मुख्यमंत्रियां नूं पता सी वी इह चीज़ होण वाला। हाँ हरसिमरत की गल करदे आ असीं वी तूं क्यों घरे बह के अस्तीफा देता, विच क्यों नहीं बैठी, विच बहिंदी अज उत्थे रौला पाउंदी जदों असैंबली चलदी सी, फिर असीं तुहाडे नाल खुश हुंदे गल करदे, असीं वी बहुत सियाणी आ घरे बह के चुप करके बह गई पासे यूट्यूब ते तारा मारन वाले रह गए। सो साथियों मैं एक तो एक गल कहूँगा भी मोदी सरकार ने आपां इकट्ठे करता, आपां अड्डो अड्ड वर्गों के अड्डो अड्ड महकमे के आपां तुरे फिरते सी, उन्होंने किसान मजदूर मुलाजम सर्वे एक लोग करते, आपां जिहड़ी हुण एका अपना हैगा जितांगे जरूर एका रखिया जो। एक मैं थोड़ी बेनती करनी चाहुंदा भी जिहड़े असीं भी संघर्षां दे विच जांदे आ भी जिवें विहणे साथी तुरे फिरदे आ जो सब ने रोटी टोक खा लिया होगा, आप जिहड़े काम लई आए हैं कानून रद्द कराने लई आए हैं कानून रद्द कराइए इत्थे बैठिए, क्योंकि जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां ने तां आपां वेखने आ वी इत्थे चार चपेरे तुरिया फिरदियां अपने विच वजदे फिरदे आ वी अपने तो ही वो जिहड़े उहनां कोले जिहड़ी गल जांदी आ वी आपां की करदे आ वो जांदी आ। मैं बेनती करदा वी जिन्ने भी साथियां ने लंगर पाणी छक लिया उहनां नूं पंडाल दे विच बहिणा चाहीदा। मैं स्टेज तों मंग करदा मोदी सरकार तों मंग करदा भी जिहड़े तिन्ने काले कानून आ वो रद्द कर,
ते जेड़े होर जेड़े कानून लियाउण दी तैयारी कर रहे उन्होंने बिल्कुल डिसमिस कर बंद कर ते असी अखीर विच मैं फिर दो नारे लाउणा ते नारे दा नारे दे मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार नूं चलदा करो मोदी सरकार नूं चलदा करो जय जाता जय सिंह जय लड़न वाले लोगों की धन्यवाद।